कमांड यूजिंग की स्ट्रोक्स, यानी कि की मोड से हम लोग अपने टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट कमांड है हमारा शिफ्ट प्लस राइट एरो। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं, और ये कर्सर जो ब्लिंक करते हैं इसको कर्सर बोलते हैं। तो शिफ्ट राइट एरो, तो ये आपका करेगा वन करेक्टर राइट साइड से सेलेक्ट करेगा। फिर सेकेंड है हमारा शिफ्ट लेफ्ट एरो, तो ये क्या करेगा, आपको लेफ्ट साइड से वन वन करेक्टर लेफ्ट की ओर सेलेक्ट करता जाएगा। थर्ड कमांड है शिफ्ट प्लस होम, तो ये क्या करेगा, आपका जहाँ इंसर्शन पॉइंट है वहाँ से आपके बिगनिंग लाइन तक क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। शिफ्ट होम, देखिए लाइन सेलेक्ट किया। फिर आपका अगर यहीं से हम लोग करते हैं शिफ्ट एंड प्रेस, तो ये एंड प्रेस करने से शिफ्ट एंड, देखिए लास्ट तक क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। फिफ्थ कमांड है शिफ्ट पेज अप, तो शिफ्ट पेज अप से ये क्या करेगा, जहाँ आपका इंसर्शन पॉइंट है वहाँ से ऊपर तक की और पूरे फुल टेक्स्ट को सेलेक्ट करेगा। फिर इसी तरह पेज डाउन है, तो शिफ्ट पेज डाउन करने से आपको पेज नीचे की ओर फुल टेक्स्ट, यानी कि एक स्क्रीन में जितना दिख सकता है उतना सेलेक्ट करेगा। ओके चलिए नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। तो कंट्रोल शिफ्ट हमारा जहाँ भी इंसर्शन पॉइंट है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से देखिए वन वन वर्ड सेलेक्ट करेगा। अगर यहीं हम शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो करते हैं, तो ये वन वन वर्ड लेफ्ट की ओर सेलेक्ट करता जाएगा। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करते हैं, तो ये वन वन पैराग्राफ क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। अगर नीचे की ओर डाउन करेंगे तो नीचे की ओर, और अप करेंगे तो ये ऊपर की ओर क्या करेगा, वन वन पैराग्राफ कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से ऊपर ऊपर की ओर सेलेक्ट करता जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल शिफ्ट होम, कंट्रोल शिफ्ट होम। तो ये देखिए वन ऑल टेक्स्ट फ्रॉम इंसर्शन पॉइंट टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, आपके जितने भी शुरुआती डॉक्यूमेंट तक क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। जैसे देखिए हम अभी आप यहाँ पे देखिए टू स्टेटस बार में कि हम किस पेज पे हैं, या टू नंबर पे, और यहाँ इंसर्शन पॉइंट है। अगर कंट्रोल शिफ्ट होम प्रेस करते हैं, तो ये देखिए जहाँ से था मैं अभी फर्स्ट पेज पे आ गया, तो ये पूरा सेलेक्ट कर लेगा। अगर ऊपर की ओर होम करेंगे तो ऊपर की ओर, और ये नीचे करेंगे, नीचे करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट इंड करेंगे, तो ये लास्ट डॉक्यूमेंट तक इंसर्शन पॉइंट से लास्ट डॉक्यूमेंट इंटायर होल, यानी कि जहाँ से इंसर्शन पॉइंट है वहाँ से होल डॉक्यूमेंट को आपको क्या करेगा, ये सेलेक्ट कर लेगा। ओके चलिए अब नेक्स्ट हमारा अल्ट कंट्रोल शिफ्ट पेज अप। अब यहाँ पे हमने कर्सर रख दिया और अल्ट कंट्रोल शिफ्ट पेज अप, तो ये जहाँ हमारा कर्सर था वहाँ से जितना स्क्रीन दिख रहा हमारा टेक्स्ट उतना को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। अगर हम यही करते हैं अल्ट कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन, देखिए इंसर्शन पॉइंट से नीचे तक जितना टेक्स्ट दिख रहा था उतना हमको सेलेक्ट कर दिया। अगला है F8 एंड एरो की। तो देखिए F8 से क्या होता है, सिलेक्शन कमांड ऑन होता है, तो F8 से सिलेक्शन कमांड ऑन हो जाएगा। ओके और ऑन होने के बाद आप जिधर जिस एरो को यूज करेंगे उस साइड में आप सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट में की, अब अगर मैं लेफ्ट करूंगा तो लेफ्ट में होगा, और राइट करूंगा तो देखिए अभी राइट कर रहा हूं तो राइट में हो रहा है। ओके अब डाउन करूंगा तो डाउन में होगा। बंद करने के लिए नहीं, F8 सिलेक्शन कमांड को ऑफ करने के लिए सिंपली आप कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ओके हमारा सबसे लास्ट कमांड है, आप सभी लोग जानते होंगे कि वो होता है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होता है, सेलेक्ट होल डॉक्यूमेंट और एंटायर डॉक्यूमेंट। ओके तो कंट्रोल ए, देखिए होल डॉक्यूमेंट हमारा क्या है, सिलेक्शन हो गया। थैंक यू।